सुहाना सफर है और छोटे छोटे रास्ते हैं। और ये वाला जो गांव है इसका नाम है टीकर खुर्द, और ये भी बहुत खूबसूरत है, सुंदर है। जय किसान जय जवान, मान गए भाई। वल्ला हबीबी आओ कभी भी, वेलकम टू पूर्वा। ओह शिट, ये कैसा पुल है भाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। फाइनली काफ़ी दिनों के बाद आज मैं व्लॉग शूट करने जा रहा हूँ। 20 से 25 दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं शूट किया, क्योंकि रमज़ान चालू हो गए थे तो हमें टाइम भी नहीं मिलता था। तो अभी मैं गांव आ चुका हूँ, अपने कस्बा पूर्वा आ चुका हूँ। मैं आया था पाटन और वहाँ से आने के टाइम मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, और अभी पाटन से मैं पूर्वा जा रहा हूँ। तो पाटन से पूर्वा का जो हमारा ट्रिप होगा, रास्ते में कितने गाँव पड़ेंगे ये भी मैं आपको सारे गांव दिखाता जाऊंगा। चलते हैं फिर, अपनी ट्रिप भी स्टार्ट करते हैं और रास्ते में क्या क्या है वर्चुअली मैं सब कुछ आपको दिखाने वाला हूं। बैक टू बैक व्लॉग आने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पे हाईवे बनाने के चक्कर में लोगों की दुकानें, लोगों के घर तोड़ दिए गए हैं। जितने भी रोड के किनारे घर थे, दुकानें थी, वो सब तोड़ दी गई हैं। साइड में फिलहाल अभी है, और इस साइड में जो भी जितनी भी दुकानें थी सब तोड़ दी गई हैं। और इस साइड में लगता है यहाँ का मेला, यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा है। ये है पाटन की रेलवे क्रॉसिंग, छोटी है बट बहुत ज़ोरदार है, सिंगल लेन, और दो तीन साल से पैसेंजर ट्रेन भी यहाँ पे बंद चल रही है। और ये वाला हाईवे सीधा जाएगा उन्नाव, और अपन जाएंगे पूर्वा, और ये सीधा जाएगी पाटन से पूर्वा जाएगी, पूर्वा होते हुए भी मोरामा, लखनऊ, शोरामऊ, अशोहा। और इस सड़क का भी काम अभी कंस्ट्रक्शन चालू है, कहीं कहीं पे पैचअप है, कहीं कहीं पे ऑफ रोडिंग है, कहीं कहीं पे बन चुकी है। धूल मिट्टी तो इतनी ज़्यादा उड़ रही है कि भाई इतना खुद को बंद कर लो उतना ही अच्छा है। सेफ्टी रखने के बावजूद भी मिट्टी और धूल जो उड़ रही है वो भी मुँह में जा रही है। ओह भाई साहब, इतनी मिट्टी उड़ेगी तो भाई अपन तो भूत बन जाएंगे। तो यहाँ पे फिर हमें मिली है थोड़ी सी अच्छी सड़क, अभी यहाँ पे अपन थोड़ा खींच लेंगे इतना हो सकेगा। मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं है, 1-2 किलोमीटर ही बनी होगी, कहीं पे बनी है कहीं पे नहीं बनी है, बस ऐसे काम चालू है बीच बीच में। और ये आप देख रहे हो चिमनी, इसे हम लोग बोलते हैं भट्ठा, यहाँ पर ईंट बनाई जाती है। गाँव कौन सा है अपने को नो आइडिया। 6-7 गांव पड़ेंगे पाटन से लेके पूर्वा तक, और पाटन से पूर्वा की जो दूरी है वो है 18 किलोमीटर। और भाई साहब आगे तो इतनी ख़राब रोड है कि पत्थर बड़े बड़े पड़े हैं, चलाने में बहुत तकलीफ होती है। लेकिन अब यार कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है जाने के लिए, जाना तो हमें यहीं से पड़ेगा। और यहाँ पर भी देखो छर्री पड़ी हैं छोटी छोटी, स्पीड अगर आप चलाओगे तो शायद गाड़ी स्लिप भी कर जाए। पड़ा है दूसरा गाँव, इस गांव का नाम क्या है वो भी आइडिया नहीं है। बस चलते जाओ मंजिल की तरफ। इतनी ज़्यादा मिट्टी है, इतनी ज़्यादा मिट्टी है भाई। और यहाँ पे डॉग्स की फौज खड़ी है, आ जाओ। हेलो दोस्तों, यहाँ पे भाई साहब ये छोटी सी नदी है, यहाँ पे पहले पुराना पुल था, अभी ये नया पुल बन चुका है, पुल भी अच्छा है, देखते हैं। ये वाला पुराना पुल है, ये देखो नदी में इतना गंदा पानी आएगा, एकदम काला पानी है भाई। ये पहले बहुत गहरी हुआ करती थी अपने ज़माने में, लेकिन अब धीरे धीरे ज़माना भी बदल रहा है और ये नदी भी बदल गई है, गहराई भी कम पड़ गई है। इस साइड में देखते हैं, हालांकि ये नया वाला पुल है, बहुत जल्दी बना दिया, 4 महीने के अंदर बन गया, और ये पुराना वाला पुल है। इस साइड से देखो दोनों पुल आमने सामने हैं, वो वाला नया पुल है, ये वाला पुराना है। और उस साइड में वहाँ पे एक्सीडेंट बहुत होते थे, मैंने 2-3 एक्सीडेंट बहुत पहले देखे थे। वो नया पुल जो बना हुआ है बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है, चौड़ा भी है, बस पानी बहुत गंदा है। कैमरे में ब्लैक नहीं दिख रहा, लेकिन अपनी आंखों से जब देखोगे तो आप एकदम काला पानी है, बहुत गंदा है। ये नदी कहाँ से आती है पता नहीं है कुछ। और अभी इतना सब कुछ मैंने दिखा दिया है, और अब चलते हैं यहाँ से सीधा तिवरिया। तिवरिया भी यहाँ से मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर बचा है, थोड़ी देर वहाँ पे बैठेंगे। गांव का कुछ अलग ही मज़ा है भाई, कितनी गर्मी हो लेकिन हम तो घूमने आए, फुल एंजॉय करेंगे चाहे जितनी गर्मी हो।
और अभी इस साइड में यहाँ पे ईंट बन रही है, ईंटों का काम चल रहा है। आप फैक्ट्री बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, ये एक्चुअली में क्या होता है, ये जहाँ की मिट्टी अच्छी होती है वहाँ पे ये बनाए जाते हैं। ईंट अच्छी मिट्टी से बनती है जो सॉफ्ट होती है, तभी वहीं पे काम चल रहा है इसका। कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको थोड़ा बहुत। ईंट अभी बन नहीं रहे हैं, मिट्टी यहाँ पे फुलाते हैं पहले। मिट्टी जब फूल जाती है, पूरी नरम हो जाती है, तब ईंट बनते। मैंने एक भाई साहब से पूछा है तो वो बोले कि अभी टाइम लगेगा, 1-2 घंटे लग सकते हैं। तो चलते हैं, नसीब में नहीं था देखना, फिर कभी देखेंगे। ये है यहाँ का गौशाला, जहाँ पे गाय के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, व्यवस्था होती है। अभी नारियाँ होते हुए हम सीधा पहुँचेंगे पुरवा। ये देखो भाई, बफेलो, दिस इज बफेलो। गर्मी में फुल एंजॉय करते हुए ये लोग। मैं जो गांव होता है ना भाई, बहुत अच्छा होता है, हर एक चीज सुंदर होती है। हेलो हेलो दोस्त, हेलो भाई। यहाँ पे देखो ऐसे बीच बीच में रखे हुए हैं खंबे आने जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पुल नहीं बना हुआ है। बीच वगैरह होता तो इनको भी आने जाने में तकलीफ नहीं होती, बट ये लोग अपना यहाँ पे खंबा डाल के चलते रहते हैं ताकि किसी को तकलीफ ना हो। किसान अपना रास्ता खुद बना लेता है। देखो यहाँ पे एक खजूर का पेड़ डाल के रखा है। जय किसान जय जवान, मान गए भाई। किसानों को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, अपना सफ़र खुद तय करते हैं, अपनी फसल खुद तैयार करते हैं। नज़ारे देखो, नज़ारे क्या नज़ारे हैं भाई। छोटी सी पतली सी सड़क है, साइड में हरियाली, और इस हरियाली के बीच में तुम्हारा भाई जा रहा है। वल्ला हबीबी आओ कभी भी, वेलकम टू पुरवा। तो यहाँ पे देखो भाई साहब, कितनी सारी गाय है। ओ भाई साहब, चलो हमें रास्ता तो मिल गया, सुहाना सफर है और छोटे छोटे रास्ते हैं, फिर भी मैं चला जा रहा हूँ। अब बोलते भाई कैसा लगा गाना? बहुत सारा काम बाकी है घर पे, टाइम हो रहा है ज्यादा। जुगाड़ देखो जुगाड़, ब्रिज की कोई जरूरत नहीं है, बस लकड़ी रख दिया, ऊपर से डाल दी थोड़ी मिट्टी, हो गया ब्रिज तैयार। ओह शिट, ये कैसा पुल है भाई? एक साइड में खाली दीवार है, दूसरी साइड में गिरा हुआ है। गांव में कुछ चीज़ें हैं जो बनाना बाकी है, और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो हमें हमारा रास्ता मिल चुका है, और अब इस रास्ते के सहारे हम जाएंगे पुरवा। पुरवा यहाँ से मेरे हिसाब से 3-4 किलोमीटर बचा हुआ है। जितना भी हो कोई नहीं, हमारा रास्ता हमें मिल गया। जो ऑफ रोडिंग थी, नहर के किनारे की जो सड़क थी वो बहुत ख़राब थी। अभी हम यहाँ से सीधा पुरवा जाएंगे, पुरवा पे फिर वीडियो को अपनी करते हैं ख़त्म। और ये वाला जो गांव है, इसका नाम है टीकर खुर्द, और ये भी बहुत खूबसूरत है, सुंदर है। स्वच्छ भारत अभियान, यहाँ पे भी एक सरकारी स्कूल है, गार्डन भी है, और एक अच्छा सा तालाब है। मैं पुरवा पहुँच चुका हूँ, और ये जो आप देख रहे हो इस साइड में, ये पुरवा का नहर है। तो अभी यहाँ से अपनी वीडियो को करते हैं क्लोज, ताकि आप लोग भी देखो और मुझे भी मज़ा आए थोड़ा बहुत। तो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसी बढ़िया सी वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ सलाम।